धन की कमी नहीं है वास्तव में, चारों तरफ धन बिखरा हुआ है। अब जैसे हवा है, हवा में सांस लेने के लिए क्या हवा की कमी हो रही है? कहीं कमी नहीं हो रही। पानी की भी कमी नहीं है, पानी पर्याप्त है। और उसके व्यवस्था की बात अलग है कि कैसे पानी प्राप्त किया जाए। भूमि में ही देखिए कितना पानी है, न बोरिंग करके पानी निकाला जा रहा है, पानी निकाला जा रहा है, कोई अभाव नहीं है, भगवान ने बनाया। तो इसी तरह से भोजन का भी अभाव नहीं है। यदि मनुष्य समाज और देवताओं का समाज ये दोनों मिल जाए, भगवान गीता में कहते हैं कि अगर मनुष्य और देवता मिल जाए और एक दूसरे की मदद करें तो देवता पर्याप्त वर्षा करेंगे, पर मनुष्यों को चाहिए कि वे यज्ञ करें, मेरा कीर्तन करें, भजन करें, और देवताओं का इस तरह पोषण करें। मनुष्यों में और देवताओं में भगवान कोऑपरेशन चाहते हैं, है? और कहते हैं देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्ति वः परस्परम भावयन्तो श्रेयः परम अवाप्स्यत। इस सृष्टि को कौन ठीक से चलाएगा? भगवान ने तो रच दिया, सारा सामान दे दिया, लेकिन दो प्राणी जिम्मेवार हैं, देवता लोग और मनुष्य। तो जो मनुष्य देवताओं को नहीं मानता है वो गधा है वास्तव में, बिल्कुल मूर्ख। देवता तो है ही, अभी प्रकाश आता है सूर्य का, ये सूर्य देवता प्रकाश दे रहे हैं, अग्नि देवता इतना आंच देते हैं, उष्मा देते हैं, वायु देवता हवा देकर के जिला रहे हैं। ये सारी व्यवस्था है, भगवान ने देवताओं को नियुक्त किया है। तो मनुष्य को चाहिए कि देवताओं का आदर करे, उनके लिए जो जरूरी है उनको दे, तो वे देवता तुमको देंगे। ते देवा भावयंतुवा, देवता देते हैं। अब जरा विचार कीजिए, पर्याप्त वर्षा हो तो कितना सुखी समाज होगा, अन्न की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर वर्षा ठीक टाइम से और सब जगह हो तो पहाड़ पर बहुत से अनाज होंगे, पेड़ पौधे फलेंगे, धरती का एक एक कण सिक्त रहेगा तो कितनी फसल हो सकती है। लेकिन नहीं यथेष्ट वर्षा होने से कितनी कम फसल होती है, और कहीं कहीं नहर में हो जाता है, वो भी भगवान की ही व्यवस्था है, पानी नदी का ही है। तो व्यक्ति को चिंता नहीं करनी चाहिए, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करें। अष्टम भगवान सब चलाते हैं। जेकर खर्ची सवा मन के, उपजे सवा शेर, ना जाने राम जी लगाई हैं कौन फेर। वो तो कोई न कोई फेर लगा ही देते हैं। जिसका खर्चा सवा मन का है, आजकल के लड़के शायद मन नहीं जानते हैं, सवा मन मतलब लगभग 45 किलो हो जाएगा ना, 45 या 50 जो भी माने, तो इतना खर्चा है। और उत्पन्न की कितना हुआ खेत में, सवा शेर, मतलब 1 किलो लगभग, थोड़ा ज्यादा, पर फिर भी भगवान राम सबका पार करते हैं। ये उनकी बृहद व्यवस्था है। मनुष्यों को चाहिए कि वे ईमानदार बने, वे गरीबों को देखें, गरीबों को सहारा दें। जिनके जिनको भगवान ने दिया है वे जितना भी कर सके गरीबों के लिए करना चाहिए। तो इस तरह से मनुष्य समाज सुखी रहेगा।